की टीम ने मणिकपुर तहसील का किया दौरा, बच्चों को सिखाया आपदा प्रबंधन के गुण। 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ वाराणसी के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में जिले में आई एनडीआरएफ की टीम ने मणिकपुर तहसील का दौरा किया एवं आपदा के संदर्भ में तहसील स्तर की जानकारी ली। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु विभिन्न संसाधनों और हितकारी को सशक्त बनाने के लिए फेवेक्स कार्यक्रम जन जागरूकता के अभियान चला रही है। इसी के तहत जिला चित्रकूट में पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने मणिकपुर तहसील के आदर्श इंटर कॉलेज में बुधवार के दिन आपदा के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षित एवं अनुभवी टीम द्वारा भूकंप बाढ़ से बचाव के तरीके, फायर सेफ्टी, आकाशीय बिजली से बचाव, सीपीआरएफ, गले में फंसी बाहरी वस्तु को निकालने के तरीके, रक्तस्राव प्रबंधन, उपलब्ध संसाधनों से स्ट्रेचर बनाना, उपलब्ध संसाधनों में फ्लोटिंग डिवाइस राफ्ट बनाना एवं स्कूल शिक्षा ड्रिल के साथ साथ दामिनी ऐप के उपयोग एवं इंस्टॉलेशन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही वर्तमान समय में बढ़ रही भीषण गर्मी और लू से बचाव के तरीके बताए गए। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए टीम ने स्कूल बच्चों और स्टाफ को जल संरक्षण, वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। इस अभियान को अपने जीवन में डालने के लिए प्रेरित भी किया। इस कार्यक्रम में आदर्श इंटर कॉलेज मणिकपुर के बच्चों एवं शिक्षिका व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहत बचाव की बारीकियों को जाना प्रधानाचार्य राजेश प्रताप सिंह चल ने धन्यवाद देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया। टीम की अगुवाई इंस्पेक्टर रितेश कुमार एवं सहयोगी सहायक उप निरीक्षक रमेश चंद्र साह, उप निरीक्षक इंद्रजीत यादव टीम के सदस्यों ने प्रशिक्षण दिया। जिला प्रशासन की तरफ से आपदा विशेषज्ञ श्री राहुल कुमार की टीम ने सहयोग किया। खबर भारतवर्ष के लिए चित्रकूट यूपी से रमा मिश्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।